हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जागी जागी औरत जागी, जागी जागी औरत जागी, जागी जागी औरत जागी, सिंधी भी जागी औरत जागी, पश्तून भी जागी औरत जागी, बलोच भी जागी औरत जागी, बलोच भी जागी औरत जागी। इजाजत है स्टार्ट करें? कॉपीज नहीं है, फिर आपको अभी प्रोटेस्ट के बाद फिर आप सबमिट करवा देंगे। चाहिए जी, तो आप सब की इजाज़त से मैं शुरू करती हूँ। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है। ख़वातीन महाज़ अमल वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट अवामी यकजहती महाज़ ने हालिया पाकिस्तान के तमाम शहरों में औरतों के ख़िलाफ़ ज़ुल्म बर्बरियत और कत्लेआम की शदीद मुज़म्मत की है। नूर मुकद्दम के सानहे ने सबको झंझोड़ के रख दिया। पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से तशद्दुद किया जाता था, अब नौबत सर तन से जुदा करने तक पहुँच गई है। इसी तरह सिंध हैदराबाद में कुरतुलैन के शौहर ने तशद्दुद करके मार दिया। इसके चंद दिन बाद चार औरतों को घरेलू तशद्दुद में मार दिया। बुशरा पिशावर, सायमा लाहौर, नाजमीन शहदाद कोट, एक फिलिपिनो नेशनल कराची में उनको मार दिया गया था। सबा गुजर लाहौर, एक वजीरिस्तान में लुकमाए अजल बन गई। ये सिर्फ इसी महीने की दास्तान है और वो दास्तान जो रिपोर्ट हुई है, वो केसेस। बलोचिस्तान में 2020 में मुख्तलिफ इलाकों से तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात जो मंजर आम पर आए हैं, उनकी तादाद कम व बेश 118 से 120 ख़वातीन हैं जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। ऐसे ही रवा साल में भी कई ख़वातीन को सियाहकारी, जायदाद या पसंद की शादी करने की वजह से कत्ल कर दिया गया है, जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है। गुज़श्ता माह बलोचिस्तान के इलाके वट खुजदार में ख़वातीन के बाज़ार जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जो कि हम समझते हैं सिन्फी बुनियाद पर ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। बलोचिस्तान के डिवीज़न नसीराबाद आए रोज़ को मौत के घाट उतार दिया गया, जहां कबायली और जागीरदारी निज़ाम के तहत मीडिया समेत दीगर सरकारी इंतज़ामिया भी बेबस नज़र आते हैं। हालिया दिनों में मरियाबाद कोयटा से एक मासूम 6 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की गई, जिसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और कानून नाफिस करने वाले इदारों समेत हुकाम बाला से पुरजोर अपील करते हैं कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ फराहम करें। ख़वातीन के साथ जुल्म बर्बरियत का सिलसिला पिदर शहाना निज़ाम की कड़ी है। बलोचिस्तान भर ख़वातीन की सियासी व समाजी आज़ादी पर कदगन बज़ौर ताकत ख़वातीन को पीछे धकेलने की कोशिश है, जिसकी मुजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान में औरतों के बढ़ते हुए कत्लेआम के ख़िलाफ़ पॉलिसी एक्शन का मुतालबा करते हैं। हम उन तमाम समाजी व सियासी कायदों और ढांचों को रद्द करते हैं जो कि पाकिस्तान में औरतों पर पिदर शहाना तशद्दुद के हामी हैं, जिनके आड़ में न सिर्फ औरतों को चुन चुनकर सिन्फी व जिन्सी बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उसे जायज़ भी करार दिया जाता है। हम समझते हैं कि इसकी जड़ें जागीरदारी, सरमायादारी, इंपीरियलिज्म, मजहबी इंतहा पसंदी और जंगी मईशत में हैं, जिनका खात्मा तशद्दुद की सकाफत के खात्मे के लिए ज़रूरी है। हम मजीद खौफ के साए में नहीं जी सकते। हम इस मुल्क में कत्ल की जाने वाले ख़वातीन के जनाजों का सोग मना मना कर थक चुके हैं। हम पाकिस्तान से सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हालिया वाक़यात में जो कातिल पकड़े गए हैं, अगर उन्हें कानून के तहत सज़ा ना दी गई तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाएँगे। शुक्रिया। बिल्कुल रेजिस्टेंस वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब मजबूर होती है तो इंसान की चीख निकलती है। तो जाहिर है या घेराव करेंगे या धरना देंगे, वॉक करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आखिर हद होती है ना, इतने ख़वातीन जो मारे जा रहे हैं। शायद आप लोगों का ताल्लुक सहाफ़ी बिरादरी का मीडिया से है, उस पर इतनी खामोशी, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो केसेस रिपोर्ट हो रही है, वो हमारे सामने आ रही है। कुछ को हम बता नहीं सकते क्योंकि वो मीडिया की नज़रों से नहीं गुजरा, या फैमिली ने इनकार किया कि आप लोग ये ना बताएँ। आखिर वजह क्या है इसकी,
बर्बरियत की। और इस दफ़ा हम लोग जिन्हें मजबूर हमें किया गया कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं, जो इंसिडेंट था इस्लामाबाद का, जिस खातून का के साथ हादसा पेश आया, ना वो कोई एक्सट्रीमिस्ट बंदा था, ना वो कोई दाइश था, ना तालिबान था, एक पढ़े लिखे बंदे ने सर तन से जुदा कर दिया। आखिर क्यों? फिर हमारे पास इस तरह के कुछ लोग हैं, जवाब ढूंढते हैं कि ये वजह थी जो उसका कत्ल किया गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम बाहर निकलें, जो कवानीन बने हैं या जिन पे अभी तक अमल पैरा नहीं हुआ, जो कातिल गिरफ्तार हुए हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नहीं, सिंध में तो है वुमेन एक्शन फोरम सिंध ने जो है इस पर काफ़ी जो है आवाज़ उठाई है, यहाँ तक कि अगर बलूचिस्तान में कोई वाकया होता है तो जो वुमेन एक्शन फोरम है या WDF वो उस पर ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आखिर कब तक हम सड़कों पे इस तरह से निकलेंगे और कब तक हम उनके लिए शोक मनाते रहेंगे? आखिर कोई हल, कोई कानून साजी, कोई मुजरिम में पहले तो पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद रिहाई मिलती है। पिछले साल एक वाकया हुआ था, बहुत मतलब खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसके लिए हमने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, मैं नाम नहीं लूँगी, फैमिली ने मना किया है और कातिल पकड़ा भी गया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि मैंने उनको दावत दी थी कि आज आकर वो बात कहें, उन्होंने कहा कि जी हमारा राजीनामा हो गया है। अब एक ये राजीनामा आखिर है क्या? क्या खून बेचने को राजीनामा हम कहते हैं? और वो चले फ़र्ज़ करें कोई गलती से कोई गोली चल गई, राजीनामे की बात बनती है, उस खातून के जिस्म से उसके गोश्त काट दिए गए थे, वो पलास से जो है और खील उसके बॉडी में ठोक दिए गए थे, उसके बाल जला दिए गए थे, लेकिन वो राजीनामे के बाद सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये राजीनामा भी मतलब एक हम खून तो नहीं बेच सकते, इस चीज़ को जो है कानून जो हमारे पास शायद वकला बिरादरी से लोग होंगे इस पर इस तरह की कोई कानून साजी की हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नॉन बेलेबल और इस तरह को राजीनामे की बुनियाद पर जो है कातिल को रिहा ना किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। कोई बाज़ जगहों पे कुछ जो है कोऑपरेट करते हैं। जी जी, अभी जैसे बच्ची का कोयटा में मरियाबाद में जिसका रैप हुआ था, 6 साला बच्ची का, उसकी फैमिली ने ख़ुद कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस मसले को हाईलाइट करें ताकि दूसरे लोगों की नॉलेज में भी आए और वो फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और फिर ताकि मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अभी ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे अगर जमा हो जाए, एक छोटा सा वॉक जो है हम चाह रहे हैं कि उन हम आपको जो है पेपर जैसे प्रोटेस्ट के बाद जो है हम आपको इसकी कॉपी प्रेस रिलीज की कॉपी प्रोवाइड करेंगे। क्या